मन की बात में हमने बेटी बचाओ तो सुना, लेकिन अपने बेटों को सिखाओ ये कब सुना जाएगा? वैसे बहुत अच्छी बात है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही बात लाल किले से एक बार कही थी। उन्होंने कहा था जब माएं अपने बेटों से पूछने लगेंगी कि तुम शाम में घर लेट क्यों आ रहे हो, तब शायद इस देश में परिवर्तन होगा। छोटा सा मन की बात मैं कहना चाहूंगा बच्चे के एजुकेशन के ऊपर एक बार मोदी जी जो कि कहें, जो कि मैं एक छोटा सा वर्ड कहना चाहूंगा कि जिंदगी एक अभिलाषा है, इसकी गजब परिभाषा है, सज गई तो दुल्हन है, नहीं तो तमाशा है। तो मैं कहना चाहूंगा मोदी जी एक बार बच्चों स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन के तौर पे अच्छी तरीके से उनको डीमोटिवेट, जो आजकल के बच्चे होते हैं पढ़ नहीं पाते, स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ आपके साथ एक मन की बात कर ली जाए। बिल्कुल कर लीजिए। चलिए, आप कविता भी पढ़ते हैं, संदेश भी अच्छा दे रहे हैं। प्रयागराज आजकल बहुत चर्चा में है, तो आइए आपको प्रयागराज लिए चलते हैं। आशीष हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं, और आशीष यहाँ पर भी तैयारी है पीएम के 100वें एपिसोड को मन की बात सुनने का। क्या तैयारी है दिखाई? इसे प्रसारित किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखे रेडियो के जरिए आम लोगों से जुड़े मुद्दे। अब देखिए बिल्कुल अंजना, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर डेप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं, और यहाँ पर आप कार्यकर्ताओं में देखिए कितना ज्यादा उत्साह है। यहाँ पर सभी गुलाब का फूल लेकर हाथ हिला रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही आज ये कार्यकर्ता सब आ गए थे, और यहाँ पर आप देखिए गुलाब का हाथ फूल जो लिए हुए हैं। आप लोग आए हैं क्या आज, क्या मन की बात में ऐसा होगा? आज का जो एपिसोड है वो ऐतिहासिक है, और हमेशा मोदी जी ने, आप नोटिस करिएगा, मोदी जी ने आम लोगों के लिए बात करी है, महिलाओं के लिए बात करी है, और ऐसे तबके के लिए बात करी है जो कहीं भी बाहर दिखता नहीं है, उनके हुनर के बारे में बात करी है, महिलाओं के लिए बात करी है। एपिसोड 100वां एपिसोड आप लग रहा है, क्या खास होगा आपको लग रहा है आज? आपके प्रधानमंत्री क्या लेके आएंगे खास? हमारी प्रधानमंत्री जो है वो हर बार यही है कि फिर हम 2022-23 में प्रधानमंत्री वो बनेंगे। हमारे सारे बहने, हमारी बहनों के लिए जितना उन्होंने सम्मान दिया है, जितना अधिकार दिया है, जितना अधिकार दिया है, जितना किया है वो अकथनीय है। ऐसा प्रधानमंत्री भूतो ने भविष्य दी। प्रयागराज में क्या बदला, चूंकि प्रयागराज एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है? प्रयागराज में काफी विकास हुआ है मोदी जी के, और ये आज 100वां एपिसोड है मोदी जी का जो कि हम लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं, और ये विकास इतना ज्यादा हो रहा है, जनता इसको सुनती है, जरूर सुनती है, बहुत विकास हुआ है। देखिए इतना साफ तौर से विकास हुआ है, और मन की बात सुनने के लिए सुबह से ही आज ये सभी महिलाएं कार्यकर्ताएं ये पहुंचे हैं वाल्मीकि सिविल लाइन का एरिया, और डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य खुद यहाँ पर जैसे ही वो आते हैं। आशीष आप इशारा कीजिएगा, 11 बजने ही वाले हैं, सिर्फ 2 मिनट बचे। ये तस्वीरें देख के अनुराग जी आपको 80 सीटों की चिंता तो नहीं हो रही है यूपी की? नहीं नहीं देखिए, जहां तक सवाल विकास का होता है, वोट विकास पे मिलेगा। हाँ। और समाजवादी ने जो विकास किया है हम एक सांस में गिना पाते हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का विकास का नाम पूछो तो वो पीछे सरकारों की तो बात करेगी, अपना क्या किया है उन्होंने वो नहीं गिना। छोटा सा काउंटडाउन शुरू किया है, अपने ही परिवार का विकास किया है और अपने ही गांव सैफी गांव का विकास किया है। गाँव है, विनोद जी काउंटडाउन शुरू हो गया मन की बात का। नहीं देखिए, मन की बात एक अच्छा कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये जरूर है प्रधानमंत्री का जो कनेक्ट बन रहा है नई पीढ़ी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फायदा पहुंचा सकता है, वो फायदा पहुंचा सकता है। और यहीं पर मौजूद बच्चों ने जो कहा है उन्हीं की जुबानी अगर बातों को समेटने की कोशिश करें तो इन सबका ये मानना है कि इसके जरिए एक इमोशनल कनेक्ट भी लोगों का हुआ है। एक बच्ची ने बहुत अच्छा कहा कि जब कोविड चल रहा था उस दौरान लोगों के मनों में बहुत मायूसी थी, लॉकडाउन था, वो घरों से नहीं निकल पा रहे थे, तो लोग प्रधानमंत्री की बात को और भी ज्यादा ध्यान से सुनते थे कि क्या उसमें एक संदेश होगा। लोगों को उससे एक जानकारी भी मिली और साथ ही एक मनोबल भी उनका बढ़ा। परीक्षा पर चर्चा को लेकर भी कई बच्चों ने अपनी बात कही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत सारी उम्मीदें भी हैं, बेटियों को लेकर बात हो रही है, तो जो पहलवानों की मांग है उसका भी जिक्र इसी मंच पर आया। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जब आज अमृत महोत्सव की बात करते हुए मन की बात का आगाज करते हैं तो क्या संदेश वो देखते हैं? एक सेंचुरी है, हालांकि पीएम ने हमेशा कोशिश की है, उन्होंने 700 हस्तियों का अगर नाम लिया, 300 संगठनों का नाम लिया, अगर 23 भाषाओं में 29 बोलियों में इसका प्रसारण हुआ, अंग्रेजी और उसके बाद 2017 में संस्कृत में भी प्रसारण हुआ, तो उन्होंने राजनीति से एक दूरी बनाकर मन की बात को उससे कुशन करके रखने की जो पहल की है क्या वो कारगर एक संदेश देश में साबित होता है?